तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों में कांग्रेस लगातार जुटी हुई है। यात्रा का रूट देखने जाएंगे कमलनाथ, तो 12 नवंबर को रूट देखने जाएंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। तो बुरहानपुर के बॉर्डरली गांव जाकर तैयारियों का जायजा लेते हुए कमलनाथ नजर आएंगे। तो बुरहानपुर से खरगोन तक का रूट देखा जाएगा। तो कल कमलनाथ ने बड़ी बैठक भी बुलाई तैयारियों की, कमलनाथ जानकारी लेते हुए नजर आएंगे। तो 20 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा एमपी में एंटर हो जाएगी, जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तैयारियां कर रही है। तो खुद कमलनाथ रूट तय करते हुए नजर आएंगे और साथ ही बैठक में जानकारी लेंगे कि अब तक कितनी तैयारी हो पाई है। तो भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरह से जुट गई है। यात्रा का रूट देखने जाएंगे कमलनाथ, तो बुरहानपुर के बॉर्डरली गांव जाकर तैयारियों का जायजा लेंगे और साथ ही कल कमलनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें तैयारियों की फीडबैक जानकारी जो है वो दी जाएगी। तो बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से सतर्क और सक्रिय नजर आ रही है, क्योंकि खुद कमलनाथ जो हैं जाकर रूट देखेंगे और कल कमलनाथ ने बड़ी बैठक भी बुलाई है और बैठक में तैयारियों का जायजा लेते हुए जानकारी लेते हुए कमलनाथ नजर आएंगे। तो 12 नवंबर को रूट देखने जाएंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। तो समय की बड़ी खबर, बुरहानपुर के बोड़ली गांव जाकर तैयारियों का जायजा लेंगे। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को एंटर करेगी बुरहानपुर से, लेकिन इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से जहां पर यात्रा नहीं पहुंच रही है वहां पर उप यात्राएं निकाली जा रही, बताया जा रहा है 1.5 दर्जन से ज्यादा ये उप यात्राएं निकाली जा रही है। लेकिन उन सबके बीच एक यात्रा राजधानी भोपाल से भी निकलेगी, ये निकाल रहे हैं कांग्रेस के मध्य से विधायक, भोपाल के मध्य से विधायक आरिफ मसूद। और इस बस के अंदर, जिस बस में मैं मौजूद हूँ, इसी बस से भोपाल से ये यात्रा शुरू होगी अगले 3 से 4 दिन के बाद और यहाँ से भोपाल से बुरहानपुर जाएंगे करीब 200 यात्री। और इस बस को आप देख सकते हैं, इसी बस में सवार होकर ऐसी 5 बसें आरिफ मसूद की तरफ से तैयार करवाई गई है। और इस बस की बात की जाए तो इस बस की क्वालिटी की बात की जाए तो पूरी तरीके से एयर कंडीशन है। इसके एक बस के अंदर करीब 40 यात्री सवार हो सकते हैं और एक बेड की बात की जाए तो एक बेड पे 2, जिस हिसाब से यहाँ के जो संचालक हैं उन्होंने बताया कि एक बेड पे 2 यात्री रुक सकते हैं और 40 यात्रियों का पूरा बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर इस बस के अंदर बात की जाए, जिसे हम कंटेनर भी कह सकते हैं, इसके अंदर टॉयलेट से लेकर तमाम चीजों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ बात की जाए तो क्यों इसकी व्यवस्था की गई है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यात्रा भोपाल से बुरहानपुर की तरफ जाएगी तो 327 किलोमीटर लंबा ये पूरा रूट है और उस रूट के दरमियान कई ऐसे रास्ते पड़ेंगे जहां पर जंगल है, यानी कुछ भी रहने के लिए व्यवस्था नहीं है और होटल भी नहीं है। उन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बस को तैयार किया गया है। बस में तमाम वो व्यवस्थाएं रहेंगी जो एक घर के अंदर रहती है। राहुल गांधी का भी हमने कंटेनर देखा, तो वहीं दूसरी तरफ इस बस को, वॉल्वो बस है लेकिन अब इसको कंटेनर के तौर पर तब्दील किया गया, तमाम व्यवस्थाएं इसके अंदर की गई है। यानी यात्री यहां पर रुकेंगे तो तमाम चीजों की यहां पर, चाहे वो फ्रेश होने से लेके सोने से लेकर एसी की तरह पूरी यहां पर व्यवस्थाएं इस बस के अंदर की गई है। कैमरामैन भारत के साथ शबराय अहमद, न्यूज 24 भोपाल।